हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जो मैंने डे ओवर स्टेड इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी पिक्सल 4 एक्सेल की, बेस्ड ऑन आपका एंड्रॉयड क्यू। उसका गाइस आज रिव्यू वीडियो है। सो वैसे मैंने बोला था कि यस्टरडे आएगी, बट सॉरी यार कोई रीज़न था जब यस्टरडे नहीं बना पाया। सो आज उसी का ही टॉपिक है रिव्यू वीडियो। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल, ओमीचंद का नाम है, स्मार्टफोन तो गाइस है, इनको सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं करा है। एज ऑलवेज अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पबजी इसमें रिव्यू भी इंक्लूडेड है, सो ठीक है, क्योंकि मैं कोई कोई रूम से पबजी रिव्यू नहीं ऐड करता, ओनली सिर्फ रिव्यूज पे सारा होता है, पबजी उसमें ऐड होता है। बट इस वीडियो इस वीडियो में पबजी रिव्यू जरूर मैं आपको मैं दूंगा। सो फटाफट यहाँ पे आप पहले बात कर लेते हैं यार अबाउट सेक्शन में, फिर आपको बताएं। तो ये भी आपकी पिक्सल 4 एक्सेल रूम है, बेस्ड ऑन आपका एंड्रॉयड क्यू है, और बहुत चीज़ें यार मैंने आपको एक्सप्लेन करनी, बैटरी वगैरह का परफॉर्मेंस कस्टम करने के बारे में थोड़ी बात करेंगे। बहुत लोगों ने मतलब 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा था भाई कस्टम कर फ्लैश कर सकते नहीं करते, और किसी ने करा भी, जैसे सैश मैंने आपको इंस्टॉलेशन वीडियो में कहा था सैश 3.7 लोगों ने फ्लैश करा था कस्टम करने, बट यार उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत है और कोई फ़ायदा नहीं है कस्टम करने फ्लैश करने का, जब डिफ़ॉल्ट इतना सही है तो कुछ समझ नहीं आया। सो फटाफट यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं आपके गीक बेंच की, उसके आपका 3D मार्क। देखो बेंच मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, आपका मल्टी स्कोर भी यही आपका 8900 का ऑलमोस्ट, और सिंगल स्कोर भी आपका ऑलमोस्ट 2400 का, और यही अगर आप स्कोर कंपेयर करो पिक्सल 4 एक्सेल बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 पे। मैंने क्या कहा था, ड्राइवर्स उतने ऑप्टिमाइज नहीं था भाई जब इतने उसके बेंच मार्क्स नहीं आए थे, वो भी कि डेवलपर प्रीव्यू में एक तरह से कह सकते हैं अल्फा स्टेज में, तो ऑब्वियसली लॉजिक है यार उसमें इतने अच्छे बेंच मार्क्स से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और मैंने आपको फिर उधर ये कहा था भाई अल्टरनेटिव आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा, अगर आपको यूज़ ही करनी है सिर्फ पिक्सल 4 एक्सेल, उसका अगर आपको टेस्ट सही है तो भाई आप एंड्रॉयड क्यू एक तरह से चूज़ कर सकते हो, रादर आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन होगी, बहुत रोम्स यार अवेलेबल है कहने का मीनिंग ये। सो इधर आपका ये बेंच मार्क्स हो गए, फटाफट इधर हम बात कर लेते हैं आपका 3D टेंडर स्क्रिप्ट की, GPU बेंच मार्क्स वो भी बहुत सही है यार, 14000 जो मैं भी कहा परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए रोम में कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत लोग कह रहे हैं ऐप की टाइमिंग लेट है ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती यार, क्या पता आपका ऐप जो आप वो ऐप यूज़ कर रहे हो वो ऑप्टिमाइज ना हो, हर चीज़ रोम पे डिपेंड नहीं होती भाई, और वैसे भी कोई ऑक्सीजन नहीं जो इतनी स्मूथ UI होगी इसकी, पिक्सल 4 एक्सेल ऑक्सीजन में बहुत फ़र्क है। सो वो भी बात हम करेंगे। फटाफट यहाँ पे जो आपका रेंडर स्क्रिप्ट स्कोर है वो ऑलमोस्ट 14000 का यार, जो बहुत सही है। और यहाँ पे आप 3D स्कोर की बात करें, 3D मार्क की ये गाइस बहुत अच्छा आया, ठीक ठाक जो मैंने रिकमेंडेशन कहता हूँ कम से कम, वल्कन भी आपका वैसे 4500 के अराउंड होना चाहिए, बट कोई बात नहीं आपका फिर उधर 3.1 रिकवर कर देता है, 4800 जो ठीक ठाक है भाई, ये भी 45-46 प्लस होना चाहिए जो ठीक है। वल्कन इसलिए कम आता है क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहूँ कि ड्राइवर्स इतने ऑप्टिमाइज नहीं, ड्राइवर्स ऑप्टिमाइज है जब 3D मार्क को बेंच मार्क इतने स्कोर लेके आए हैं, नहीं तो उसका भी एंड्रॉयड 11 की तरह हाल होता अगर ड्राइवर्स इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते कहने का मैंने, बट इस फोन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। सो ये भी आपका हो गया। फटाफट यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके CPU थ्रॉटलिंग की बात कर लेते हैं भाई। सो CPU थ्रॉटलिंग जो गाइस आपके यहाँ पे CPU थ्रॉटल टू 89% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस का है, जो ठीक ठाक है यार परफॉर्मेंस आपका, मैक्स भी आप देख सकते हो, एवरेज भी देख सकते हो, मिनिमम भी 184 GPS है जो ठीक ठाक है, और नीचे आपका CPU मॉनिटर है क्योंकि पोको F1 के पास दो क्लस्टर है, एक आपका स्मॉल क्लस्टर 1 और एक आपका सेकंड बिग क्लस्टर, एक आपका 1.77 Hz का और एक आपका 2.80 Hz का। सो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए इस रोम में कोई दिक्कत नहीं है, CPU थ्रॉटलिंग भी ठीक ठाक वहाँ पे शो कर रहा है, CPU थ्रॉटलिंग 89% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, जैसे 90-91 होता तो ठीक रहता है, बट वो डिपेंड करता है आपका फोन कितना हीट हो रहा है, सारी चीज़ें मैटर करती है। सो जो ओके है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो बस अब बात लेते हैं यहाँ पे जो आपके कस्टम कर्नल के, देखो कस्टम कर्नल फ्लैश करने में तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वाइज, जैसे आपका SDR वर्क नहीं करेगा ऑन कस्टम कर्नल्स, डेल्पर ने वो चीज़ उधर मेंशन कर रहे कि SDR वोंट वर्क ऑन कस्टम कर्नल, नहीं तो मैं इसमें कस्टम कर्नल फ्लैश करता, क्योंकि मैं कोई भी कस्टमर अगर मैं रिव्यू डालता हूँ NG के, कोई भी कस्टम का मैं जरूर फ्लैश करता हूँ देखने कहीं परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, उसके बेंचमार्क टेस्ट करता हूँ, बट जब रिक्वायर्ड ही नहीं जब मैंने इसमें कस्टम करना फ्लैश नहीं करा, जो डिफॉल्ट है मॉक 77 वही 4.9 मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, जो ठीक है और रिक्वायर्ड भी नहीं है चेंज करने की, और SDR अच्छा खासा आपका चल रहा है तो भाई वो बेस्ट है, नहीं तो कस्टम करना फ्लैश करोगे वर्क नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। और मैच भी यहाँ पे आपका CTS प्रोफाइल ट्रू शो कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, दोनों ही आपके यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, CTS प्रोफाइल ट्रू। सो और डिवाइस जो सर्टिफाइड है वो भी है आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको पूरी, मतलब स्टेबल, बहुत स्टेबिलिटी रूम में है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहने का मैंने है कि सब कुछ एक्यूरेट है यार,
इवेंचुअली सब कुछ बेस्ट है। आप नीचे देख सकते हो जो आपके प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन है वो डिवाइस इज सर्टिफाइड। अगर हाँ जीपे की प्रॉब्लम आती है तो भाई नीचे आपको इसका मैं डिस्क्रिप्शन पूरा लिख दूँगा ऐसे इसको फिक्स करना है अगर आपको प्रॉब्लम आती है जीपे की। वैसे चांसेस है किसी किसी को आएगी तो तब मैं स्टिल डिस्क्रिप्शन में पूरा वहाँ पे लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा कैसे इसको फिक्स करना है, ठीक है। सो उधर भी आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जीपे यार। सो अब बात कर लेते हैं आपकी जो मेन बैटरी बैकअप की परफॉर्मेंस की। तो अभी जो पबजी रिव्यू आएगा उसमें बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कहने का मीनिंग ये है। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी तो देखो यार जब आप पोको पिक्सल के इन ग्रुप में भी जाओगे जो डेवलपर का ग्रुप है उसमें भी जाओगे, उन्होंने भी वहाँ पे दो स्क्रीनशॉट दे रखे हैं बैटरी बैकअप के। उधर से आप देख सकते हो कि भाई बैटरी कितनी अच्छी है जो मेन। अगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट गेमिंग बहुत सही है यार, ये बिल्कुल सेम है जैसे आपको ऑक्सीजन ओएस का जो लेटेस्ट अपडेट आउट हुआ है बेटा 18, उसमें भी बैटरी बहुत अच्छी है। अगेन टॉकिंग अबाउट विदाउट गेमिंग, गेमिंग का स्टिल अच्छा आपको अच्छा खासा एसओटी मिलेगा, बट अगर आप इस पर ज़्यादा गेमिंग नहीं करें तो आपको बैटरी और अच्छी मिलेगी, क्लासिफाइड मिलेगी कहने का मिलेंगे ठीक ठाक बहुत अच्छी। सो वो आप पे डिपेंड करता है यार, परफॉर्मेंस के लिए तो है ये रोम, कोई दिक्कत नहीं। रादर आपको कोई और रोम पे जाना हो आप जा सकते हो, बट स्टिल देखो मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई आप यूज़ करो ये। अगर आपको पिक्सल 4 रोम का टेस्ट लेना है तो भाई ज़रूर यूज़ करो, प्रॉक्स इसको 1 महीना 15-20-25 दिन यूज़ करो, फिर आपको कोई भी ऐसे कोई ऑप्शन यूज़ करने अपडेट है किसी का अपडेट आप उस पर स्विच कर सकते हो, बट इसको यार एक बार यूज़ करो बहुत सही है। बैटरी कब देखा जाता है कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाई अगर किसी को टच इशूज़ आते हैं, जो बहुत मुझे लोग बोलते हैं भाई कोई ऐसी रोम बताओ इस पर टच इशू ना। देखो इस पर यार टच इशू मेन है कि अगर एनवीटी यूजर्स को आते हैं, मुझे एफटीएस से बहुत लोग कहते हैं भाई हमें भी एफटी यूजर्स को भी कोई कोई एफटी यूजर्स को टच इशूज़ आते हैं। सो उसके लिए भाई डिफरेंट टच ड्राइवर्स आप यूज़ कर सकते हो, उसी का वही सोल्यूशन और कोई अदर कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। सो वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अगर आपको डिफरेंट टच ड्राइवर यूज़ करने। वैसे तो OSQ टच ड्राइवर वर्जन 1.5 ही यूज़ करना ओनली, वो ठीक है, बट एक बार यूज़ करके देखो उसको, एक दिन उस टच ड्राइवर पे अपना रोम को चलाओ फिर देखो कि भाई थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई है कहने का मीनिंग ये। देन रादर अगर भाई स्टिल आपको फेस 4 है तो फिर आप रूम चेंज कर सकते हो, कोई भी और अलग रूम पर आप जा सकते हो, बट अगर नहीं है तो फिर इस रूम को यूज़ कर लो पूरा कहने का मीनिंग ये है, कोई दिक्कत नहीं है इस रूम में। सो बात कर लेते हैं यार जो मेन आपका चेंज लॉग है, मेन तो आपका यहाँ पे गूगल जून सिक्योरिटी पैच आपका यहाँ पे रेडोडो का, और मेन यार ANX कैमरे का सपोर्ट भी यहाँ पे दे दिया गया है। सो बहुत अच्छी बात है ANX कैमरे का। वैसे तो भाई यहाँ पे आप GCam भी यूज़ कर सकते हो, बट ANX कैमरे का सपोर्ट भी बहुत यूज़ करते हैं ANX कैमरा, तो उसका भी यहाँ पे सपोर्ट अब दे दिया गया है। और थोड़े यहाँ पे एडजस्ट स्टेटस बार आइकन्स फॉर मोर नोटिफिकेशन आइकन्स भी यहाँ पे थोड़े एडजस्ट हुए कहने का मीनिंग है। और एडिट यहाँ पे इक्वलाइजर भी हुआ है आपका, कुछ शो दिखा देता हूँ मैं, ये रहा आपका, तो ये भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत यार डेवलपर ने तो बहुत अप्रिशिएट करने वाले यहाँ पे आप काम किए बहुत सही, अभी तो ऑन नहीं हो तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम करिए। एडिट GCam वो तो मैं आपको दिखाई है, GCam यहाँ पे ऐड हो रखा है। सो और हाँ अगर देखो स्क्रीन रिकॉर्डर, वही बात आ गई ना, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐड तो करा गया बट उसके लिए कंडीशन होगी कि नो इंटरनल ऑडियो सपोर्ट होगा उसमें। वही एक इसमें थोड़ा एक मतलब कमी है कहने का मैंने कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई अब स्क्रीन रिकॉर्डर दिया तो अगर वो बग फिक्स हो जाता है इंटरनल ऑडियो सपोर्ट का तो भाई फिर और सही रहता है, क्योंकि कोई भी पबजी खेलते हुए वीडियोस बनाते हैं तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब आपको फिर इंटरनल ऑडियो सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो फिर भाई अलग। अगर और चेंज लॉक ले जाना तो भाई फिर पिक्सल 4XL का सो जून का अपडेट उसमें चले जाओ, तो पोको वन रिलेटेड वो नहीं है। हाँ मेन चीज़ यहाँ पे है F2S का भी यहाँ पे सपोर्ट एडिट है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है F2F इसमें। और अदर गाइस इसमें ज़्यादा कुछ चेंज लॉग नहीं है, मेन आपको मैंने टच का बता दिया, परफॉर्मेंस तो अभी पबजी भी दे दूंगा, बैटरी में कोई आपको दिक्कत नहीं है। सो इस छोटी मोटी चीज़ ही मुझे थोड़ा बस एक यहाँ पे चीज़ लगी यार, अगर नो इंटरनल ऑडियो सपोर्ट का थोड़ा बहुत यहाँ पे फिक्स हो जाता तो मज़ा आ जाता, बट उसके लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं है। कर मतलब यार विदाउट ऑडियो के आप इंटरनल ऑडियो के स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूजलेस है, बट स्टिल कम से कम है। तो यार अब फटा में हम बात कर लेते हैं आपके पबजी रिव्यू की, जो मेन इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने कवर कर दिया, परफॉर्मेंस सिर्फ लेफ्ट है, बैटरी बैकअप सब कर दिया मैंने, चेंज लॉक कर दिया सब कुछ कवर। टच ड्राइवर्स के लिए भाई टच इशूज़ के लिए टच ड्राइवर्स आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट, वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन, कस्टम कलर फ्लैश करोगे तो भाई फिर आपका HDR वोंट सपोर्ट होगा, मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। सो छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और पबजी रिव्यू से पहले भाई एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर देखो भाई मेल्स का आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आप मेल्स इंस्टॉल नहीं करोगे सो आपका GCam भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इंस्टॉल मेल्स देन ओनली GCam विल वर्क कहने का मीनिंग है, तो जब भी मैं यहाँ पे GCam वर्क कर रहा है बिकॉज मैंने मेल्स यहाँ पे फ्लैश कर रखा है,
जब भी। और दूसरी बात देखो, अगर आपका भाई नेटफ्लिक्स पे HDR वर्क नहीं करे जो मेन इंपॉर्टेंट है, सो आपने ये करना है, अपना जो वेंडर है जो दे रखा है डेवलपर ने उसका लिंक, वैसे भी इंस्टॉलेशन वीडियो को मैं आपको लिंक से डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको आपने रीफ्लैश कर लेना है। उसके बाद क्लियर डेटा करना है यूट्यूब का और आपके नेटफ्लिक्स का। फिर अगर ये कंडीशन, अगर आपका HDR वर्क नहीं कर रहा है, देन ओनली यू हैव टू अगेन फ्लैश रीफ्लैश वेंडर एंड देन यू हैव टू डू क्लियर डेटा ऑफ यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात तो फिर वही, आगे कस्टम करना फ्लैश करोगे तो HDR वोंट वर्क, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि रिफ्लैश वेंडर करने का, अगर आप कस्टम कर्नल आपने फ्लैश कर रखा है, फिर पूरी आपको रोम ही रिफ्लैश करनी पड़ेगी, सो कोई फ़ायदा नहीं है फिर कस्टम कर्नल का फ्लैश का होने का। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके मेन इंपॉर्टेंट पबजी रिव्यू की। सो फटाफट गाइस, अब पबजी रिव्यू की हमें फटाफट बात कर लेते हैं हम। एक मिनट से, इधर जाना था, बार बार हमेशा मेरा उधर ही क्लिक क्यों होता है। हाँ, सो ग्राफिक सेटिंग ज़्यादा देखो, मैंने स्मूथ पे सेट कर रखी है, आराम से आपको 60 FPS आराम से मिलेंगे, और फ्रेम रेट को भी अल्ट्रा भी रख सकते हो, एक्सट्रीम भी रख सकते हो, जितना आप उसको हाई करोगे उतनी आपकी बैटरी कंजम्पशन होगा ज़्यादा। सो अल्ट्रा पे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, वो आपकी चॉइस है, बट मैंने उसको एक्सट्रीम पे कर रखा है। हाँ, आई एग्री, आपका डिवाइस भी हॉट होगा और बैटरी कंजम्पशन भी आपका थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर अल्ट्रा पे करोगे, ठीक ठाक है, मेट पे है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं। हाई पे यार फिर FPS हल्के से ड्रॉप होएंगे, अराउंड 45-50 FPS आपका मेंटेन रहेगा जो आपका फ्रेम रेट है, 45 तो मेंटेन रहेगा, बट अल्ट्रा 50-55, एक्सट्रीम पे मानता हूँ 60 FPS मिलेंगे, बट बैटरी कंजम्पशन आपका ज़्यादा होगा। सो ये कंडीशन वो आपको आपने देखनी है। सो फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छे से अब तो ठीक है यार, ज़्यादा मैं कैसे रखूँगा नहीं वीडियो को, 2 से 3 मिनट ही, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बन जाती है, पिछली टाइम भी 20 मिनट्स की वीडियो बनी थी, सो कोई अब यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। बहुत सही यार, इतनी देर से क्या हो रहा है यार। सो बस गए 1 मिनट और, 1 मिनट और रखूंगा। अभी तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है आपका 60 FPS में, वो तो 60 FPS तो यार मेंटेन रहेगा ही। सुखा जीरो क्लब का पबजी रिव्यू था, पूरा कोई फ़ायदा नहीं यार वीडियो, बहुत पिछली बार भी 25 मिनट्स की वीडियो बनी थी, सो कोई फ़ायदा नहीं। पबजी रिव्यू ठीक है, परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले बोला, इतनी कोई दिक्कत नहीं है।
आपको पबजी तो हल्का सा बस हीट हो, ज़्यादा हीट नहीं हुआ है रिवाइज, और सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। सी बी थ्रॉटलिंग पूरा आपको परफॉर्मेंस का मैंने आपको बेसिक एक होता है यार रिव्यू, तो मैं आपको पूरी कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है यार, बट हाँ किसी किसी की सबकी अपनी अलग चार्ज होती है भाई, उनको ये कुछ जैसे रोम्स में भाई ऐप्स थोड़े लेट खुल रहे हैं, 5 से 6 सेकेंड 5 से 6 सेकेंड्स में खुल रहे हैं, तो बहुत लोग यार अपनी चॉइस है, तो डिपेंड करता है भाई जिनको कोई और रूम चूज़ करने कर सकते, बट मेरे हिसाब से गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ भाई आप यूज़ करो रादर गाइस, वो आपकी चॉइस है जो मैं जब वीडियो में कहता हूँ, बट मे इन माई ओपिनियन गाइस यू शुड यूज़ दिस रूम अप्रॉक्स जैसे 15 से 20 दिनों यूज़ करो, देखो यार कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी रूम है यार, और भी हाँ देखो और भी रूम्स अवेलेबल है, उसके भी रिव्यूज़ आपको जल्दी मिलेंगे। सो गाइस अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, और वीडियो को शेयर करना भूलना। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक टू बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक टू बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। वे गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।